तो स्वागत है आप सभी लोगों का हाउ एक्सपेंसिव इज ब्राज़ील की वीडियो में, जो कि मैं हर देश में करता हूं, क्योंकि भाई सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही आते हैं कि भाई हम इस देश जाना चाहते हैं कितना खर्चा आएगा। नवांकुर भाई, हम इस देश जाना चाहते हैं कितना खर्चा आएगा, इतने दिनों का कितना खर्चा आएगा और उतने दिनों का कितना खर्चा आएगा, ये वो कितना महंगा है ये देश घूमने के लिए। ठीक है, तो मेरे सारे पर्सपेक्टिव जो होते हैं वो एज ए टूरिस्ट होते हैं। मैं यहाँ पर नौकरी नहीं कर रहा पहली बात भाई, तो मैं आपको बताऊँगा कि ये देश मेरे को बहुत महंगा लगा, तो वो है एक टूरिज़्म पर्पज़ की। उससे ये मैं इसलिए क्लेरिफाई कर रहा हूँ क्योंकि इसराइल में जब मैंने बनाए थे हाउ एक्सपेंसिव, तो इसराइल सुपर एक्सपेंसिव है भाई, वो जर्मनी वाले लोगों के लिए भी एक्सपेंसिव है। तो क्योंकि मेरे को मिले थे वहाँ पे लोग, कह रहे थे भाई हमको भी बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है, तो वहाँ पे लोग कमेंट कर रहे हैं यार इसराइल की जो लोगों की सैलरी है वो बहुत ज़्यादा है। तो यार उनकी सैलरी से हमको तो कोई लेना देना नहीं, हम तो वहाँ पे एज ए टूरिस्ट गए ना। तो इंडिया के लोगों के लिए घूमना वहाँ पे कितना महंगा है वो मैं बताता हूँ उस कंट्री के हिसाब से। तो ये वीडियो तो खैर है कि हाउ एक्सपेंसिव इज ब्राज़ील, जो कि मैं एक दिन में नहीं बता सकता कि आपको सुपरमार्केट घुमाया और बता दिया ये इतने का है, वो मैं नहीं करता। तो जब तक मेरे को सारी चीज़ों की नॉलेज ना हो जाए कि भाई कितने आपको टोटल खर्चा होगा, तब तक मैं नहीं बना सकता। तो भाई मैं अभी तो हूँ बोलीविया में, कल आ गया था मैं यहाँ पे। इसकी वीडियोज़ तो भी काफ़ी दिनों बाद आएंगे यार, जब मैं ब्राज़ील एग्जिट कर जाऊँगा, तो मतलब जब वीडियोज़ में ब्राज़ील एग्जिट कर जाऊँगा। वैसे तो मैं कर गया ब्राज़ील में 37 डेज में ब्राज़ील में रहा, तो वहाँ पे मेरा खर्चा पता नहीं कितना आया भाई, मेरे पास हिसाब नहीं है अपने खर्चे का, होता गया खर्चा। काफ़ी महंगी ट्रिप पड़ी मेरी ब्राज़ील की, वो मैं आपको बताता हूँ क्यों पड़ी। तो बोलीविया में देखो यार, अभी तो इंस्टाग्राम पे मैं स्टोरीज रोज़ रेगुलर डाल रहा हूँ कि बोलीविया में आज ये हो रहा है, आज ये हो रहा है, और मैं जैसे स्ट्रीट की फ़ोटो है, कोई अच्छी चीज़ लगी तो मैं ज़रूर डालता हूँ इंस्टाग्राम पे स्टोरीज़ पे, तो आपको बिल्कुल लाइव अपडेट मिलती रहती है। तो इंस्टाग्राम पे आप जाके फॉलो कर सकते हो भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, तो पहले आपको एक सुपरमार्केट घुमा देते हैं ब्राज़ील की, वो घूम के आप आओ दोबारा से भाई। पहला ही दिन है, पहली रात है ब्राज़ील में, मैं गोप्रो नहीं लेके आया, तो मैंने सोचा कि भाई चलो अब ग्रोसरी स्टोर आए हैं थोड़ी शॉपिंग करने खाने वाने की, तो दिखा देता हूँ वो कितना एक्सपेंसिव है भाई। और ब्राज़ील में हर जगह मास्क लगाने ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे कोरोना के केस बहुत ज़्यादा हैं। तो अभी दिखाता हूँ भाई क्या क्या खरीदते हैं और कितना क्या बिल आता है। ये देखो भाई, ऑरेंज जूस की बोतल, नौ रियाल्स कहते हैं ना, रियल्स 9.49। और ये बड़ी वाली भाई 22 रियल्स की, तो हमने अभी छोटी वाली ली है। और भाई देखते रहते हैं क्या क्या है भाई यहाँ पे, मतलब मेरे को तो भाई ब्राज़ील काफ़ी सस्ता ही लग रहा है भाई अभी तो। ये भाई अपना ये हो गया योगर्ट, शायद 6 पैकेट हो गया ये, अच्छा ये रहा शायद 7.99 का। एक दूध ले लेते हैं फिर, देखो भाई ऊपर ये दूध लग रहा है मेरे को 5.29 योगर्ट है ये भी, पढ़ लिया तुमने। ये ब्रेड हो गई भाई 6.99 की, ये अलग ब्रेड 12 की भाई। यहाँ पे आलू देखो 3 रियाल्स पर किलो, मतलब कुछ 39 रुपीज़। फिर ये 2 रियाल पर किलो के हिसाब से केले हैं, केले बहुत सस्ते हैं भाजी, 2 रियाल के 1 किलो 26 रुपए के। कीवी का रेट बताओ, ये महंगी है भाई 16 रियाल, ये तो खैर इंडिया में महंगी है बहुत। फिर ये टमाटर भाई 4 रियाल के, अंगूर 4 रियाल के। तो ये भाई बियर जो लोग पीते हैं उनके लिए भाई, हैनिकेन एक बोतल ये 5 रियाल की, मतलब कुछ हो गए 70 रुपए करीब। और यहाँ लिखा है भाई 18 से कम हाथ मत लगाना इनको। पहले ले रहे हैं तो यहाँ से पहले पन्नी लेनी पड़ती है, फाड़ना भाजी। तो इसमें केले पैक हो गए, किलो के हिसाब से रेट होएगा। ये देखो भाई रेडीमेड बर्गर, सीधा ओवन में रखने और खाने हैं, 5-5 रियाल, कोई 9 का पूरा पिज्ज़ा के, पिज्ज़ा भाई 10-12-14 रियाल के। ये बड़े वाला देख लो भाई, सस्ते हैं यार, कितने सस्ते हैं यहाँ पे, 1200 रुपये का सही है पिज्ज़ा। हाँ पिज्ज़ा नहीं, बर्गर ले लेते हैं, बर्गर ले लीजिए, सारी सेम से लग रहे हैं। ये ज़्यादा फेम ए मस्टर्ड वाला है, इसमें पता कैसे चलेगा बीफ क्या है, सारे बीफ ही होने सारे बीफ ही होंगे और नहीं सी गाल क्या, बेकन अब बेकन है ये, मतलब वो हो गया पोर्क हो गया ये बीफ। यहाँ पे भाई ये सारे अंगूर पैक्ड, मतलब पैक सारे, यहाँ से आप चाहो तो खुद भी सेलेक्ट कर सकते हो, और ये पैक्ड है तो ये थोड़े महंगे हैं, वहाँ से आप थोड़े सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे रेडबुल का प्राइस है 13 रियाल,
और 500 ml मतलब बड़ी है पर ये बहुत। हाँ मेरी फेवरेट है। ये आ गया भाई दूध 1 लीटर 4 रियाल का, मतलब कितना 56 रुपये, बहुत सस्ता है। अरे तो पल पैक्ड है ना ये, इसलिए थोड़ा महंगा है। और ये वाला ये भी 1 लीटर है शायद। हाँ ये भी 1 लीटर है, ये भी 1 लीटर है। क्या भाजी आप बढ़िया लग रहा है देखने पे, शक्ल से डिसाइड कर लिया हमने ये वाला दूध बढ़िया होगा। ये पैकिंग की बड़ी क्या नहीं, इसमें शायद फ्लेवर है, ये स्ट्रॉबेरी होगा पक्का, ये कोई और होगा, ये कोई और होगा, 3-4 फ्लेवर। गुरदूरा अच्छा, कौन सा लोग है? सेम ही रेट है दोनों का। मतलब ये फुल क्रीम है क्या? फुल क्रीम लेने हैं। हाँ ये ले लेते हैं, सानू क्रीम चाहिए भरा भाई। ये देखो 2.5 लीटर की बोतल पेप्सी की, मैंने तो पहली बार देखी है भाई। क्या क्या पहली बार देख रहा हूँ 2.5 लीटर की। भाई साहब फ्रिज च महंगी है, इतने सस्ती है इतने। ना ना ये छोटी है, छोटी है। हाँ पानी की बोतल भाई मेरे हिसाब से, कौन सी बड़ी वाली ले लेते हैं। ये 8 रियल की। कितने लीटर है? 5 लीटर है ना, 5 लीटर ले लो एक बाजी। और क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे कप भी हैं, दो दो रियल। ग्लास से अपने को अपार्टमेंट छा गई है। हाँ यहाँ भाई ये देखो कितना छोटा सा ये हाई प्रोटीन, 15 ग्राम प्रोटीन है इसके अंदर। ये 9 रियाल का, 130 रुपये का ये। आगे भाई ये तो है मेरा हॉस्टल यहाँ पे बोलीविया में, वो आपको बोलीविया सीरीज में देखने को मिलेगा। तो हम शुरू करते हैं एयरपोर्ट पे उतरते ही। एयरपोर्ट से आपको सिटी सेंटर तक टैक्सी मिल जाएगी। टैक्सीज ब्राज़ील में इतनी सस्ती है ना भाई, इतनी सस्ती हैं, आपको आगे वाली वीडियो में भी पता चलेगा कि बहुत सस्ती हैं। अगर आप 4 जने हो ना, 4 नहीं यार, आप मान लो आप कभी कभार तो आप अगर 2 जने भी हो तो भी आपको बस और मेट्रो से सस्ती टैक्सी पड़ेगी। कई जगह तो आप पहुंच जाओगे 140 रुपये में, 130 रुपये में, 10 रील में। ब्राज़ील की करेंसी हियाल, हियाल वो रील लिखते हैं वैसे REAL, पर वो बोलते हियाल हैं क्योंकि आर को एच बोलते हैं ब्राज़ील वाले, तो हियाल इनकी करेंसी। तो कई टैक्सी आपको मिलेंगे 10 हियाल में, 15 हियाल में, 20 हियाल में। भाई ज़्यादा 20 हियाल कितने होते हैं, 280। मेरे को नहीं लगता मैंने ज़्यादातर बार 15 हियाल से ज़्यादा कभी, मतलब बहुत कम बार दिए होंगे जब बहुत दूर जाना होता है। तो बहुत दूर अगर आप जाओगे तो आपको मेट्रो लेनी पड़ेगी, फिर बस लेनी पड़ेगी, उसमें आपका टाइम बहुत वेस्ट होएगा। अगर आपको टाइम बचाना है तो टैक्सी बुलाओ और टैक्सी से जाओ, और ऊबर यूज़ करो आप, ऊबर सबसे बेस्ट रहेगी आपके ब्राज़ील में। तो मैंने एयरपोर्ट से टैक्सी ली थी कहाँ तक के लिए, हाँ अपने सिटी सेंटर तक के लिए। तो मेरे को याद है अभी भी कि खर्चा आया था कुछ 50 हियाल का, जो कि 650 रुपये। इतना तो मैं दिल्ली एयरपोर्ट से अपने घर जाने के लिए कई बार मैंने 800-900 रुपये तक दे रखे हैं, तो ये मेरे को तो काफ़ी सस्ता लगा भाई। फिर आते सिम कार्ड के बारे में। सिम कार्ड अगर आप ब्राज़ीलियन रेजिडेंट नहीं हो और अगर आप वहाँ के सिटीज़न नहीं हो तो आप सिम कार्ड नहीं खरीद सकते, क्योंकि सिम कार्ड खरीदने के लिए, सिम कार्ड खरीद सकते हो, सिम कार्ड एक्टिवेट करने के लिए आपको चाहिए होता है CPF नंबर। CPF नंबर मतलब ब्राज़ीलियंस का आधार कार्ड नंबर कह सकते हो आप। तो वो अगर आपके नंबर नहीं होगा तो आप एक्टिवेट नहीं कर सकते सिम कार्ड को। तो अगर आपका कोई दोस्त है या फिर जहाँ से आप सिम कार्ड खरीद रहे हो, जैसे छोटे छोटे बुक स्टैंड्स होते हैं वहाँ से आप सिम कार्ड खरीद सकते हो, तो वहाँ पे आपको 20 हियाल में सिम कार्ड तो मिल जाएगी पर वो एक्टिवेट नहीं होगी। तो आप या तो उस बंदे को थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे दो कि भाई एक्टिवेट कर दो, पूछ लो खरीदने से पहले कि भाई तू कर देगा एक्टिवेट, या फिर आपको किसी दोस्त का CPF लेना पड़ेगा एक्टिवेट करने के लिए। और एक्टिवेशन प्रोसेस भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है भाई, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो फिर आपको नेट मिलेगा अराउंड 20 हियाल में, 6 GB नेट मिलता है। वो भी मेरे को आज तक सिस्टम समझ में नहीं आया भाई कैसे मिलता है, वो अपने आप ही आ जाता है 6 GB नेट, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया भाई सिस्टम। फिर आते हैं भाई आपका रहने खाने में। आपने मेरा लग्जरी अपार्टमेंट देख लिया होगा साओ पाउलो में, जिसका मैंने दिया था कुछ 11,000 रुपये 5 नाइट्स का 2 जनों के लिए। तो कितना सस्ता है भाई वो अपार्टमेंट देखो आप जाकर, कितना लग्जरी, स्विमिंग रूफटॉप स्विमिंग पूल से लेकर लग्जरी लॉन्ड्री, मैंने उसमें कपड़े धोने सिखा दिए उस वीडियो में पता नहीं क्यों, मस्त बिल्कुल बालकनी 9th फ्लोर पे प्रोटेक्टेड बिल्डिंग पार्किंग के साथ। तो और आपको हॉस्टल मिल जाएंगे, मैंने सबसे सस्ता हॉस्टल लिया है 30 हियाल्स में, 30 हियाल्स वही कुछ 450 रुपये करीब हो जाते हैं। फिर आते हैं आपके ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे पे। मेट्रो की टिकट जनरली है रियो में 6 रियाल की, साओ पाउलो में 4.4 रियाल्स की, तो वही वैसी ही बस की टिकट से भाई। फिर अगर आप मेरी तरह गाड़ी रेंट करते हो तो मेरा जो खर्चा आया पूरे गाड़ी का, वो तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड खर्चा है मेरा।
पर जनरली आपको गाड़ी मिल जाएगी एक दिन की 2000 रुपये रेंट पे, और उसमें आप पेट्रोल डलवा सकते हो। पेट्रोल आपको वीडियोस में पता चल जाएगा, वैसे हर स्टेट में अलग अलग रेट है और बहुत ज़्यादा अलग अलग रेट है भाई। किसी स्टेट में आपको कोई 55 रुपये का मिल रहा होगा कहीं पे पेट्रोल, तो किसी स्टेट में आपको 90 से 95 रुपये तक पेट्रोल मिलेगा। तो वो बहुत डिफर करता है आप कौन सी स्टेट में ट्रैवल करते हो भाई। तो ये हो गया आपका, और क्या बचता है आपका खाने पीने का? मैं बताऊँ तो आप, मैंने तो ज़्यादातर भाई सब्वे खाया है ब्राज़ील में। सबसे बेस्ट चीज़ है सब्वे, खाओ भाई, हेल्दी का हेल्दी ना। आपको फूड ढूंढने की ज़रूरत है, एक दो बार आप ट्राई कर सकते हो यार ब्राज़ीलियन फूड, पर वो ये फीका फीका सा है। तो मेरे को सब्वे ज़्यादा अच्छा लगता है। सब्वे किसी स्टेट में 20 याल्स का भी खाया है मैंने, और किसी स्टेट में 30 याल्स का भी खाया है। तो ये सब्वे की रेंज है 12 इंच वाले की, मतलब 30 याल 360 इंडिया वाला रेट। तो आप ब्राज़ील को एक तरह से कह सकते हो खर्चे के मामले में इंडिया जैसा ही है, थोड़ा सा महंगा कह सकते हो, बस थोड़ा सा। तो ये थी मैंने खर्चे की वीडियो, क्योंकि भाई जब तक मेरे को पूरा एक्सपीरियंस ना हो जाए मैं क्या खर्चे के बारे में बताऊं आपको। थोड़ी इंडिया से फ़्लाइट्स महंगी है, पर आजकल वो भी बहुत सस्ती है। मैंने कतर एयरवेज़ की फ़्लाइट देखी, साओ पाउलो से मेरे को वापस दिल्ली की फ़्लाइट देख रहा था, तो 35,000 रुपये में यार मात्र, मैंने नहीं देखी भाई आज तक इतनी सस्ती, वो भी कतर एयरवेज जैसी एयरलाइन की। और अभी फ़्लाइट्स काफ़ी सस्ती चल रही है कोविड में, पर वो ये वीज़ा बंद है अभी तो आप आ नहीं पाओगे। तो ये थी ब्राज़ील एक्सपेंस की वीडियो, क्योंकि मेरे को सारा अब जानकारी होगी कि भाई ब्राज़ील में इतना 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 खर्चा हो सकता है। तो मैंने आपको बता दिया, अब अपने अंदाजे से आप लगा सकते हो कि आपको कितना खर्चा करना है भाई। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हो आप, और भी कोई डाउट हो जो मैंने आंसर नहीं किया है वीडियो में उसके लिए आप इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो। किसी और देश का डाउट है तो पहले उस देश की वीडियो देख सकते हो आप। और ये चीज़ें मैं बहुत कम वीडियोज़ में कहता हूँ, क्योंकि यार मैं रॉ रखना चाहता हूँ, और हर वीडियो में अपना इंस्टाग्राम ये सब प्रमोट नहीं करना चाहता होता मैं। मैं चाहता हूँ भाई बंदों का टाइम सेव होए, किसी को फॉलो करना होगा कर लेगा, नहीं करना होगा नहीं करेगा भाई। तो बाय बाय फ्रॉम सेंटा क्रूज़ बोलीविया, जिसकी सीरीज़ आपको जल्दी देखने को मिलेंगी। मैं ट्राई कर रहा हूँ यार एडिटिंग करने की, पर इतना हेक्टिक हो जाता है ट्रैवल करना कि एडिटिंग तो क्या, खुद के लिए टाइम नहीं मिलता भाई। तो चलते हैं हॉस्टल में, इस वीडियो की एडिटिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सुबह डालनी है और बोलीविया चलता है इंडिया से 9.5 घंटे पीछे। तो अगर मेरे को अगर अपनी वीडियो चाहिए कि 9:30 बजे मैं वीडियो डालता हूँ, 9 बजे एक्टिवेट हो जाए वो वीडियो, तो फिर मेरे को डालनी पड़ती है कम से कम 11:30 बजे यहाँ के रात के। तो अभी यहाँ पे 6 बज चुके हैं, खैर मेरी वीडियोज रहती तो रॉ हैं, तो इतनी एडिटिंग तो मैं नहीं करता, पर फिर भी थोड़ा तो करना ही पड़ता है यहाँ पे, वाईफाई वगैरह देखना पड़ेगा। ये ऐसा कुछ मेरा हॉस्टल है यार, बड़ा प्यारा सा, पर मेरा कमरा है प्राइवेट कमरा है वैसे तो। यहाँ पे तो बोलीविया एक्सपेंस की अलग से वीडियो आएगी, ठीक है ब्राज़ील घूम लो पहले, फिर बोलीविया घुमाते हैं आपको।